दोस्तों अभी हम आ चुके हैं टंगमर्ग। ये मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हो गए आप टंगमर्ग का, तो गुलमर्ग जा रहे थे तो यहाँ खड़ा होके यहाँ का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है नीचे से, तो वो दिखाना चाहता हूँ। और साथ में ये ऊपर से आ रहा है पानी, चल रहा है इसमें नाले टाइप है, थोड़ा है पानी, अभी बरसात के टाइम में इसमें पानी ठीक आता है, बिल्कुल साफ पानी आ रहा है। और व्यू यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू दिख रहा है, इस साइड में देखिए बड़े बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। थोड़े थोड़े बादल आ चुके हैं, थोड़ी धुंध है तो आपको गोप्रो से तो ठीक नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आँखों से देख पा रहे हैं। तो यहाँ बहुत खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है नीचे, और इस साइड ये वादी का तो नज़ारा क्या ही कहने इसके, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। ये देखिए पहुंच गए हैं गुलमर्ग, और दिखाते हैं अभी गोंडोला की तरफ जा रहे हैं। ये टैक्सी स्टैंड था, यहाँ पे सारी टैक्सियाँ रुक जाती है, यहाँ से आगे ये लोकल टैक्सियाँ जाती है। ये थोड़ी दूर है, 1 किलोमीटर से कम ही है, 500 रुपये लेते हैं, लेकिन हम तो पैदल ही जा रहे हैं, तो किसी के कोई चलने में दिक्कत नहीं हो और फिट लोग हों तो उनको ना तो घोड़ा लेने की ज़रूरत है ना टैक्सी लेने की, वो पैदल जा सकते हैं। व्यू यहाँ का बहुत खूबसूरत है, आज थोड़ी धुंध है इसलिए ऊपर का तो सही नहीं दिख रहा, लेकिन इस ये पूरा का पूरा बहुत ही खूबसूरत व्यू दिख रहा है। हमको यार पैदल जाना, सॉरी भैया, इसी से घुमाएगा पूरा 6 जगह। नहीं 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 भैया। हाँ तो फ्रेंड, जो मेरे पीछे देख रहे हैं यही है गुलमर्ग का मशहूर गोंडोला, यह ऊपर तक जाता है इस साइड, तो इसका गेट है पीछे से दिखाऊंगा मैं, ऊपर जा रहे हैं तो वो भी दिखाऊंगा। यहाँ एंट्री टिकट है, टिकट ऑनलाइन बुक भी होता है और यहाँ से भी मिलता है। ये वर्ल्ड का दूसरा हाईएस्ट लॉन्ग रोपवे है, पहला चाइना में है और दूसरा ये है। अभी तो इसका दोनों फेस नहीं चल रहा है, ये फर्स्ट फेस तक चालू है, लेकिन ये दोनों फेस चलते हैं तो सबसे लंबा रोपवे है वर्ल्ड का, 2 नंबर का। और नज़ारे यहाँ के औसम है, व्यू तो आपको दिख ही रहे होंगे चारों तरफ। तो अभी हमारा 1:30 बजे का टिकट है, ऊपर चलते हैं फिर दिखाते हैं आपको और नज़ारे। हाँ तो यही है रोपवे, यहीं से चलती है ट्रॉली, ऑनलाइन टिकट लिया था तो अंदर आ गए हैं, अभी वेट कर रहे हैं, देखते हैं एक ट्रॉली में बैठते हैं तीनों लोग, कितने बिठाते हैं एक ट्रॉली में वो भी देखते हैं। गोंडोला राइड में और शुरू हो चुकी है गोंडोला राइड। हाँ शुरू हो चुकी है।
यहाँ से एक भाई आ गया दिल्ली से, वो भी रोपवे का आनंद उठा रहे हैं। ये भाई साहब दिल्ली से हैं हमारे साथ में। हाँ जी, हमारी गंडोला राइड स्टार्ट हो चुकी है, हम जा रहे हैं ऊपर। पहले तो पता था डर लगेगा, लेकिन ये हमारे राजस्थानी भाई हैं कुछ हमारे साथ में, जिनमें से हमारे इन भाई को बड़ा डर लग रहा है, पता नहीं क्यों यार। बाकी सब लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, ये सर हमारे बॉय एंजॉय कर रहे हैं। ये गोंडोला राइड लगभग 2.5 किलोमीटर की है, जो फर्स्ट फेज तक जाएगी। अगर दोनों फेज इसके चलते हों तो दूसरे फेज तक ये 3.5 किलोमीटर हो जाता है। और ये वर्ल्ड का 2 नंबर का रोपवे है, 1 नंबर का चाइना में है और उसके बाद सबसे लंबा रोपवे ये गुलमर्ग में है इंडिया में। बिल्कुल ठीक। नीचे का व्यू बहुत ही ऑसम दिख रहा है यहाँ से। सही बात है, बहुत खूबसूरत व्यू है। थोड़ी धुंध है इसलिए साफ नहीं दिख रहा होगा आपको गोप्रो में। आ गए हैं फर्स्ट फेस पे, आ गए हैं ऊपर। ऊपर से व्यू ये काफी खूबसूरत व्यू दिख रहा है वैली का। ऊपर वाला अभी बंद है सेकंड फेस, नहीं तो ऊपर से नज़ारे और ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। ऊपर तो बता रहे हैं कि थोड़ी बहुत बर्फ भी मिल सकती है। ये गोंडोला की पिछली साइड में घोड़े ही घोड़े वाले खड़े रहते हैं। गोंडोला से बैक साइड में आओगे तो सब घोड़े वाले मिलेंगे, घोड़े वाले यहाँ करवाते हैं, काफ़ी ऊपर तक लेके जाते हैं, करवाते हैं राइड। सर्दियों में तो यहाँ पूरी बर्फ ही बर्फ रहती है चारों तरफ, लेकिन अब खूबसूरत मिडोज दिख रहे होंगे। जगह तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन टूरिस्टों की भीड़ होने की वजह से और कुछ घोड़ों वालों की वजह से यहाँ ये मिडोज है ये सब गंदे करे पड़े हैं। कचरा आप देख पा रहे हैं, कहीं बोतल है, कहीं कोई रेपर बिखरे पड़े हैं। तो पहाड़ में जो लोग आते हैं उनसे भी तो ये निवेदन है कि वो भी कचरा ना फैलाएं। और ये घोड़े वाले अगर इसी तरह कचरा फैलाते रहें तो फिर यहाँ उनकी कमाई बंद होने वाली है जल्दी, फिर यहाँ कौन आएगा, क्योंकि बहुत कचरा फैला रखा है और घोड़े की लीद जगह जगह फैला रखी है। अब हम मिडो के ऊपर आ चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत बुग्याल है ये, और इस साइड में वैली का व्यू देखिए यहाँ से। वाह ऑसम, क्या व्यू दिख रहा है यहाँ से। मुझे पता है आप कैमरे से ये व्यू देख के संतोष नहीं होंगे। लेकिन जो आंखों से दिख रहा है वो कैमरा कहाँ दिखाता है। बहुत खूबसूरत व्यू है, सनसेट व्यू पॉइंट से, और इसका नज़ारा देखिए आप, नज़ारा बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत ऑसम नज़ारा दिख रहा है पीछे। मैं और दिखाता हूँ आपको, वैली का व्यू देखिए आप यहाँ से। बहुत ही ऑसम व्यू है, गाड़ियां रोक रोक के लोग यहां पे फोटो बना रहे हैं, और लगभग हाइट है इसकी 10,000 फीट के आसपास।